नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष मोहर है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये सोनालिका ट्रैक्टर आया हुआ है, DI 734 सोनालिका। तो दोस्तों इसका जो है कि क्लच ख़राब हो गया था, तो उसी को हमने खोला हुआ है। क्लच दबाने पर गियर नहीं ले रहा था, तो इसमें मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या ख़राब है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका हमने फ्लाईव्हील खोला हुआ है और ये काफ़ी कट गया था, तो हमने इसको टर्न करवा दिया है। और यहाँ ये इसका क्लच प्लेट है जो कि घिस चुका है। और इसका ये प्रेशर प्लेट, ये भी कट गया है। ये आप देख सकते हैं, जो इसका मोटाई होता है टर्न करवाने से, ये पतला हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टूट गया है। और इसका जो ये फिंगर है, ये भी कट गया है। फिंगर कटने का कारण है कि इसका क्लच बेयरिंग जो है कि जाम हो गया है। क्लच बेयरिंग जब जाम हो जाएगा तो ये फिंगर काट देगा। तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके क्लच बेयरिंग को। ये आप देख सकते हैं, ये जाम चल रहा है। ये आप देख सकते हैं, इसका आवाज़ आप सुन सकते हैं, इसी की वजह से फिंगर काट दिया है। और इसका जो हब है, ये भी घूम गया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से इसको भी सही करना होगा। अब इसमें हम नया क्या लगाने वाले हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पावर ट्रैक में लगता है, ये कॉमन है, सोनालिका मैसी स्वराज सभी में ये लग जाएगा। तो हमने यहाँ पावर ट्रैक का लिया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसका पार्ट नंबर है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। दोस्तों इसकी MRP 3090 रुपये है। और इसमें हमने ये क्लच प्लेट लिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये सोनालिका का जेन्युइन क्लच प्लेट है, ये बिना स्प्रिंग वाला है। ये आप देख सकते हैं, ये सोनालिका का जेन्युइन क्लच प्लेट है। दोस्तों ये 1500 रुपये में आया है, ये क्लच प्लेट 1500 रुपये का है। और ये आप देख सकते हैं, ये नया वाला हमारा प्रेशर प्लेट है, यहाँ एस्कार्ट का मार्का लगा हुआ है, ये कॉमन होता है, ये आपका कई ट्रैक्टरों में लग जाएगा। तो इस तरह से ये सब चीज़ हम बदल के इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हमने क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट को लगा लिया है। अब यहाँ हम फिंगर के ऊंचाई को नाप रहे हैं। तो यहाँ जो कंपनी का सेटिंग था, उसी सेटिंग पर हम मिला रहे हैं। तो एक तार के मदद से हम तीनों फिंगर को बराबर नाप लेंगे। यहाँ तीनों फिंगर बराबर है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने कितने इंच पर रखा है, तो ये 1.5 इंच से हल्का सा ज़्यादा है, 1.5 इंच से हल्का सा ज़्यादा ये है, इतना पर हम इसको लगा देंगे। अब दोस्तों इसका जो ये क्लच बेयरिंग ख़राब हो गया था, अब इसके हब को निकालेंगे। तो यहाँ ऐसे हब को निकाल लेंगे, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो अब हम इसके क्लच बेयरिंग को निकालेंगे। तो यहाँ ऐसे क्लच बेयरिंग को हम निकाल लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इसको निकालना बहुत ही आसान है। ये क्लच बेयरिंग हमारा पुराना वाला निकल गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्लच बेयरिंग बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। अब इसमें हम नया क्लच बेयरिंग डालेंगे।
तो दोस्तों ये ARB कंपनी का क्लच बेयरिंग है, इसकी MRP 605 रुपये है और इसका नंबर है 6010T। ये आपको दिख रहा होगा 6010T। इसी बेयरिंग को हम लगाएंगे, तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लच बेयरिंग को ऐसे बैठा लेंगे, तो ये क्लच बेयरिंग हमारा अच्छे से बैठ गया। अब इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद इसे लगा देंगे। तो यहाँ ग्रीस अच्छे से लगाने के बाद क्लच बेयरिंग को लगाएंगे, यहाँ अच्छे से ग्रीस को भर लेना है। तो ये हमारा क्लच बेयरिंग फिट हो गया। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमने क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच बेयरिंग सब फिट कर लिया है। अब इसको हम मिला देंगे, ये क्लच बेयरिंग अच्छे से काम कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ क्लच दबा के गियर लगाने पे अब कोई आवाज़ नहीं है, हमारा गियर अच्छे से लग जा रहा है। ये आप देख सकते हैं गियर लगाने में कोई आवाज़ नहीं है, ये हमारा ट्रैक्टर ओके हो चुका है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।